भैया बहुत तकलीफ है, रोड का बहुत एकदम जर्जर हो गया है, रोड चलने में बहुत ही दिक्कत है। वैसे ही जा रहे हैं हम लोग, आशा लोग आशा अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल स्टेशन भी साथ में आपका स्टेशन भी सर। हाँ चलने में परेशानी होता है ना, ये डरी बड़ी स्टेशन है ना, जा रहे हैं जाने में दिक्कत, ये डेढ़ घंटा हो गया। ये क्यों चक्कर आना जाना नहीं करते, रोड की वजह से आना जाना नहीं करते? मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल अंतर्गत बायसी प्रखंड के पंचायत, ये पुरानागंज है और NH 31 डंगरा से जो है ये सड़क चटांगी तक जाती है, जिस इस रोड से प्रधानमंत्री सड़क से लगभग 3 से 4 पंचायत को जोड़ती है और लाखों का लोग इस पर लाखों लोग इस सड़क से गुजरते हैं, हज़ारों वाहन चलते हैं इस पर। जो है सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि MP से लेकर MLA हमेशा चुनाव के टाइम ही पहुंचते हैं और वादा देते हैं आम जनताओं को कि इस साल बन जाएगा, लेकिन ये 2017 के सैलाब से सड़क ध्वस्त है और चलने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अभी देखिए इधर दिखाइए थोड़ा कि गाड़ी चल रही है, किस तरह से चल रही है। अभी एक पेशेंट गया, डिलीवरी पेशेंट गया, उसको जाने में काफ़ी दिक्कत हुआ, डेढ़ घंटा समय लगा टोटो में, टोटो वाला से हमने बात किया, डेढ़ घंटा लगा। और हम यहाँ से जानेंगे और कुछ राहगीरों से के कैसा महसूस करते हैं इस सड़क में चलने में। सर ये बताइए, इससे क्या आप रोज चलते हैं? रोज कितना समय लग जाता है आने जाने में? बहुत समय लगता है। आप कहाँ से आते हैं? अब धरतुआ से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? चटांगी हटिया जाना है। हाँ सड़क का स्थिति कहाँ से कहाँ तक खराब है? बालैया मना देना घाट से लेकर इधर चटांगी तक ऐसा ही जर्जर है। हाँ ऐसे यहाँ के सांसद MLA कुछ कर नहीं रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। क्या आप लोगों ने कभी सवाल बहुत किए हैं, वो कुछ नहीं सुन रहा है। और भी जानेंगे हम यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से। चाचा बताइए अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं हबडांग से। आने में कितना समय लगता है? बहुत समय, जो कि 10 मिनट का रास्ता लगता है, 2 घंटा जी। सड़क यहाँ डंगरा घाट से ले बागडोक तक बिल्कुल सड़क खत्म है। हाँ पूरा खत्म है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग रोड मांगते हैं, रोड अच्छा चाहिए, जाने में सुविधा होगा, हर चीज़ अच्छा रहेगा, यही चाहते हैं हम लोग। और भी यहाँ जानेंगे हम चाचा से। चाचा सिलेंडर लेके सिलेंडर भरने के लिए बायसी साइड जा रहे हैं कि दलकोला जा रहे हैं? मैं सुरजापुर जा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम है, मेरा घर बागडोब है। रोड का हाल बहुत बुरा है। हम लोग विधायक लोगों से क्या मांगते हैं? रोड लाइट यही चीज़ तो मांगते हैं, लेकिन रोड का हाल इतना बुरा है कि आप खुद देख रहे हैं। ये बहुत दिनों से है, कई साल गुजर गए इस सिलसिले में, कई साल गुजर गए। चुनाव के बाद नेता लोग नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ वोट के वक्त नज़र आते हैं, जब वोट मिल जाता है उसके बाद कभी नज़र नहीं आते हैं। जैसे कि संसद जो बनाए हैं, संसद आते कभी नहीं, वो आते हैं वो अपने काम से आते हैं जी। लोग तो अपने गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में चलते हैं। हाँ जिसमें भी चले, लेकिन पब्लिक की तरफ ध्यान होनी चाहिए। पब्लिक रोड चाहती है, रोड से बड़ा फ़ायदा उनको भी फ़ायदा, पब्लिक को भी फ़ायदा है। जैसे कि हमने बात किया इतने लोगों से, सब ने बताया कि रोड जो है काफ़ी दिनों से जर्जर है 2017 से, और स्थानीय यहाँ के विधायक और MP का दौरा अपने कामों से होता है। आम जनता का ये कहना है और इन लोगों का कहना है कि बहुत जल्द ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए, क्योंकि लोगों को जाने आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बने रहें मेरे साथ, रौनक आलम SGN न्यूज़ 22।